सर नमस्कार सर सर राजा
हम खवातीन साके लेडीज आके जो साइलेंट प्रोटेस्ट करके एक घंटा ठहर के चले जा रहे थे। दो दिन हम लोग अच्छे साइलेंट करे, सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटा, एक घंटा ठहर के चले जा रहे हैं। कल चैलेंज, कल जो सब पुलिस आके हम लोग को बोली यहाँ पे नहीं ठहरना, किस वजह से ठहरे, ये मंडे से कर रहे हैं, मंडे से, और ये एक महीने तक जारी रहेगा पूरा, एक महीने इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी 6-7 जनों को अरेस्ट करे, शायद को अरेस्ट करे, जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके हम लोग खाली आके जाना का मना पड़े और जो सो क्लेम पड़ गए जी। हो साइलेंट प्रोटेस्ट था, दो तीन दिन से 70-60 ऐसा रह रहे थे। आज अभी आए थे तो अब 5-6 आप लोगों का ये मंडे, ये मंडे से 4 दिन हुए मैडम, 6-10 दिन हुए शायद जी। हो अपना यहाँ नहीं ठहरना, कहीं कैसे ठहरे आप लोग, जरूरत नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती वो की प्रॉब्लम, इजाज़त नहीं है जी। नहीं, हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं दिए हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे जगह से जा रही, ये पुलिस आ गई, हम आपको डरा रहे, डरा रहे हमको, धमका रहे, कल आए धमका रहे हम, हमको जबरदस्ती ठहरना हो निकलना पकड़ लेके जाते, आगे गाड़ियाँ लाए के डरा रहे, लगे पकड़ ली जबरदस्ती, हम लोग को भी खींचे तो हम लोग हाथ छुड़ा के आगे, बच्चों को भी लेके गए, बच्चों को भी लेके गए, छोटे बच्चों को भी लेके गए, शायद 8 ईयर्स की लड़की को भी लेके गए। अच्छा, 8 साल की बच्ची है आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी बहन की बच्ची है, हमारी बहन है उसमें, हमारे और जो जेन मेन है उन्होंने हैं, हम लोग नाम किसी को नहीं बोल रहे थे, बस साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, यू आर वी आर इंडियन से बोल के हम लोग, उन्होंने भी नाम पूछ रहे थे हम लोगों से, लेकिन हम लोग नाम नहीं बोल रहे थे, ना एड्रेस बोल रहे थे ना नाम बोल रहे थे बस। आज यहाँ पर लेडीज़ का कुछ प्रोटेस्ट हुआ जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए लेडीज़ को बड़ी बेदर्दी के साथ लेके गई। भाई ये तो जमहूरी हक है, नेशनल एंथम पढ़ रहे थे, कोई वैसी बुरी बात तो नहीं कर रहे थे, अगर उनको डिस्पोज करना था पुलिस जो है ना अपने तरीके से कर सकती, हम भी समझा रहे थे मसला क्या होगा, बच्चों को, मासूम बच्चों को लेडीज़ को पकड़ के लेके गए, ये बिल्कुल गैर गलत बात है, ये जमहूरी हकूक़ की पामाली है। हमारे KCR साहब से हमारी अपील है कि पुलिस के साथ, पुलिस को फ्रेंडली, पुलिस को, पुलिस जो है ना जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और जो है ना लेडीज़ को फिल फॉर रिहा करने की ज़रूरत है हमारी, जितने लेडीज कम से कम 15-20 को, 15-20 को अरेस्ट करें। सिर्फ ये होना नेशनल एंथम पढ़ रही थे, प्रोटेस्ट जो है ना जो चल रहा है आजकल फिल वक्त CA NRC के खिलाफ में, उसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ पुलिस, बड़ी सख्ती के साथ, दो तीन दिन से चल रहा था उसको, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके गए, बच्चों को भी लेके गए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रही थी, और पुलिस बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई करी, पुलिस को कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जो है ना उसको डिस्पोज आराम से कर सकते थे, और उन आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, नेशनल एंथम पढ़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं था। वो पुलिस आने से इतना ज्यादा हंगामा होने तो वाले हंगामा हो रहे नहीं था, 4-5 दिन से कर रहे थे, खामोश कर रहे हैं, चले आ रहे हैं अपने घरों को, भाई लेडीज अपना आने से हंगामा हुआ, नेशनल एंथम के ऊपर इतना बड़ा। जी आओ, जी आओ, जी आओ, पुलिस अरेस्ट करिए, पुलिस की ज्यादती है ये, पुलिस जो भी कर रही है इनके पीछे कौन काम कर रही है, इनके पीछे किसका हाथ है, CM साहब की जिम्मेदारी है, सबको लेके चलने की जरूरत है, 20-25 औरतों को, मासूम बच्चों को भी लेके चले गए, लड़कों को भी लेके, और कहाँ लेके गए नहीं मालूम, नहीं मालूम कहाँ लेके गए, अब जाके बात करेंगे, सर्कल साहब से भी बात करेंगे, हॉस्पिटल के सामने हो रहा था, 3-4 दिन से आ रहे हैं खामोश खड़े कर जा रहे हैं, उन लोग बस्ती के बच्चे आए, औरतें हैं, अब उनको भी हम समझाए भी थे कि भाई मत करो, जो भी गनो बोले भाई हमारा राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट का GO है हमारे पास, हमारी जो है ना एक्शन कमेटी हमको इजाज़त दी लेडीज की कि हमको करने का है करे, इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था कि जो है ना अभी प्रोटेस्ट जो है ना जमहूरी हक है, उस हक को अगर पामाल करेंगे तो KCR साहब के साथ भी हमारे जो है ना भरोसा ख़त्म हो जाएगा, और मुसलमान जो है ना इंशाल्लाह कोई दूसरी पार्टी को सोचने का प्रोग्राम बनेंगे, या कम्युनिस्ट पार्टी को लेंगे, या फिर से कांग्रेस को लेंगे, ना तो फिर बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे KCR साहब की पार्टी को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को वोट दे के लाए, उनके MLA को जिताए, यहाँ पे कॉरपोरेटर को हम जिताए, उसके बावजूद हमारी लेडीज के साथ ये जुल्म अगर तेलंगाना की हुकूमत करेगी, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, अब हम तो जो है ना बेयारो मददगार है, अल्लाह हमारा मददगार है, और हमारी क़यादत हमारे साथ है, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहें, तो जो भी रहें उनके ऊपर हमारा भरोसा है, कोई कारपोरेटर नहीं आए, कोई कारकुन, कोई नहीं आए, लेडीज को पकड़ के अब लेके चले गए, अब अल्लाह करीम है, जो भी अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, और जो है ना हम कुछ अरेस्ट, लड़के भी अरेस्ट हुए, जाके बात करेंगे क्या है, क्या जुर्म है आखिर इतना बड़ा, KCR साहब से हमारी अपील है
हम आपको वोट दे के लाए, मुसलमान आप पे भरोसा करे, अगर आप इस तरीके से भरोसे को तोड़ेंगे तो फिर हम जो है ना जो भी है इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनेंगे।